हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सभी आइडल स्टूडेंट्स की जिनकी एग्जामिनेशन को किया गया था पोस्टपोन। जी हाँ, स्टूडेंट्स लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर हमारे एग्जामिनेशंस को कर दिया गया है पोस्टपोन, तो उस पर क्या कौन सी लेटेस्ट अपडेट आ रही है, उस पर डिटेल में चर्चा कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी एग्जामिनेशंस ड्यू टू स्ट्राइक ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ अफेक्ट हुई है। कुछ दिनों पहले मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल डिपार्टमेंट ने ये नोटिस जारी किया था, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन की हुई है, जहां पर इस नोटिस में क्लियरली कहा गया था कि जो एग्जामिनेशन चालू होने वाली थी, ठीक है, 2 तारीख को सर्कुलर ऑलरेडी रिलीज किया गया था, जिसमें बताया गया था 14 तारीख से, 16 तारीख से, 28 फरवरी और 14 मार्च से स्टार्ट होने वाली सभी एग्जाम्स को फिलहाल पोस्टपोन किया जा रहा है। अब सवाल आता है कौन सी एग्जामिनेशंस के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ा। तो आपके सामने नोटिस है जो ऑलरेडी 1 महीना पहले आया हुआ था कि फर्स्ट ईयर बीए सेमेस्टर 1 बीकॉम, एफआईबीए, एफआईबीकॉम सेमेस्टर 2, एसवाईबीए, एसवाईबीकॉम की एग्जामिनेशंस ये तारीख से शुरू होने वाली थी। कौन कौन सी तारीख? 14 फरवरी, 16 फरवरी, 14 मार्च, 28 फरवरी से शुरू होने वाली थी। इन सभी एग्जामिनेशन को फिलहाल के लिए किया गया था पोस्टपोन। अब बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी, सर अगर एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो अब एग्जाम्स कब होगा? तो मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल डिपार्टमेंट ने इससे रिलेटेड एक लेटेस्ट सर्कुलर रिलीज कर दिया है रिगार्डिंग योर रिवाइज्ड टाइम टेबल। जी हाँ, सबसे पहले ये नोटिस आया कब है पहले वो समझ लेते हैं। ये नोटिस है 10 फरवरी 2023, यानी आज ही के दिन आपको मिल रहा है। सबसे पहले आपको पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आइडल रिलेटेड अपडेट आपके चैनल को मिलती रहेगी। अगर मैं बात करूं तो ये जो डेट्स है वो किसके लिए होने वाली है? अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए होगी, फॉर जुलाई सेशन स्टूडेंट, जुलाई के सेशन के स्टूडेंट्स के लिए होगी। अगर आप FIBA, FIBCOM या FIBAF के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, लेट मी वेरी क्लियर, FIBA, FIBCOM, FIBCOM, BAF के स्टूडेंट्स हो तो आपके एग्जाम 10 मार्च से लेके 17 मार्च तक होगी। 10 मार्च से लेके 17 मार्च तक आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। समय होने वाला 3 से 6, 3 से 6। और अगर आप बैफ के स्टूडेंट हो तो 11 से लेके 1:30 बजे तक। अगर FIBA सेमेस्टर 2, FIBCOM सेमेस्टर 2, FIBAF सेमेस्टर 2 की एग्जामिनेशन 29 मार्च से लेकर 8 अप्रैल के दरमियान होने वाली है। टाइमिंग 11 से लेकर 2, 11 से लेकर 1:30 बजे का होगा। क्लियर हो गई बात इतनी? यस सर। अब हम लोग बात करते हैं SYBA वालों बच्चों की। SYBA, SYBCOM, SYBAF सेमेस्टर 3 के एग्जाम 18 मार्च से लेके 28 मार्च तक होगी। बैफ के एग्जाम 18 मार्च से लेके 27 मार्च तक होने वाली है। उसके बाद SYBA सेमेस्टर 4, SYBCOM सेमेस्टर 4 की एग्जामिनेशन 10 अप्रैल से शुरू होकर 19 अप्रैल तक जाने वाली है। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। उसके बाद PGDFM सेमेस्टर 1 एंड PGDFM सेमेस्टर 2 की एग्जामिनेशन 28 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक होने वाली है। ये बातें आपको समझ में आ गई है। PGDFM सेमेस्टर 2 की एग्जाम 4 मार्च से लेकर 9 मार्च के दरमियान होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हमने प्रीवियस नोटिस को भी देखा, जिसमें पोस्टपोन से रिलेटेड प्रोविजन के बारे में डिस्कस किया गया था। साथ ही साथ पुरानी डेट्स क्या थी, सारी एग्जाम पोस्टपोन हो गए। जी हाँ, सारी एग्जाम पोस्टपोन हो गए। ऑलरेडी आइडल ने इसके बारे में नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी चैनल पर मिल गया था। उसके अलावा इस वीडियो में हमने रिवाइज्ड डेट, कमेंसमेंट डेट के बारे में भी बातें की है। जल्द ही आपको डिटेल टाइम टेबल भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही वो डिटेल टाइम टेबल आता है मैं आपको अपने चैनल पर बताने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से सिर्फ इतनी ही गुजारिश है, चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जैसे ही आइडल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चैनल पर पोस्ट होगी वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।